दोस्तों रोजगार कार्यालय इस समय अलग प्रकार का मैसेज भेज रहा है, ठीक है ना। पता नहीं क्या रोजगार कार्यालय ने भाई क्या सोच रखा है, बेरोजगारों को दुगना परेशान करना। देखो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी काम हो बिल्कुल सीधा तरीके से कर दीजिए, कि भाई जितने भी जो 33 जिले रोजगार हैं उनको एक निर्देश दे देना चाहिए कि भाई 1 दिसंबर से आपको 31 दिसंबर तक या तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से सेंड कर सकते हो, या फिर आप सीधे रोजगार कार्यालय आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो, ठीक है ना। किसी के पास ईमेल भेज रहे हैं, किसी के पास कॉल वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं, किसी के पास फॉर्म भरवा रहे हैं और किसी को रोजगार कार्यालय बुला रहे हैं। तो इससे क्या है, तो जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं वो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि भाई एक ये मैसेज आया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको 15 दिसंबर तक रोजगार कार्यालय में पहुंचना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेके, यदि आपने इस प्रकार के जो भी डिप्लोमा किया हुआ है। लेकिन बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि इसमें BSTC वालों को और भी शामिल कर लिया, ठीक है ना, जो पहले उसमें असमंजस की स्थिति में बनी हुई थी। तो साथियों यदि आपके पास इस प्रकार का मैसेज आता है, ठीक है ना, उसमें सीधा लिखा हुआ होगा कि आपको रोजगार कार्यालय आना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आप किसी भी ईमेल पर सेंड ना करें, ठीक है ना। काफ़ी जो यूट्यूबर आपको कह रहे हैं ना कि सभी को ईमेल आईडी के माध्यम से सेंड करना है, तो साथियों उनके बहकावे में आप ना ही, ठीक है ना। देखो नहीं तो बत्ता बंद हो जाएगा, फिर आप बार बार कॉमेंट्स करोगे। जैसा मैसेज आता है वैसा ही काम करें। यदि उसमें ईमेल का भी ऑप्शन है और साथ में यदि उसमें रोजगार कार्यालय जाने का भी ऑप्शन है, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ये मैसेज इसमें लिखा हुआ है, आपको रोजगार कार्यालय आके अपने कागजात जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो झुंझुनू जिला है इसकी ईमेल आईडी पर आप ना भेजें। बाकी जिले हैं उनका भी कईयों का वही आया हुआ है, उनमें भी यही बताया गया है कि आप सीधे रोजगार कार्यालय आएँ, ठीक है ना। वैसे मैंने 33 जिलों की जो ईमेल आईडी है, ठीक है ना, मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों के पास ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आया है, तो उस जैसे मान लो आप भाई किसी भी ज़िले से संबंध दौसा से हो, तो दौसा की ईमेल आईडी को ओपन करोगे तो आप सीधे ईमेल बॉक्स में पहुंच जाओगे, और कुछ नहीं करना, स्वयं घोषणा पत्र अपने प्रोफेशनल की फोटोकॉपी सेंड कर देना, ठीक है ना। तो उन सारी जानकारी मैंने डाल दी है और सारे इंटर्नशिप के वीडियो मैंने बना दिए, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता, ठीक है ना। बाकी लोग आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे भाई। देखो एक बात मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है कि भाई जब आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि सभी जिले वाले ईमेल आईडी पर भेजें। दोस्तों कभी ना करें, जैसा मैसेज आए वैसा ही आपको काम करना है, नहीं तो फिर देखो सजा आपको ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हुए हैं। मैसेज को आराम से पढ़े, एक बार नहीं तो दो बार पढ़े, फिर आगे बढ़े, ठीक है। क्यों भाई, मैं ये चाहता हूँ आप तक सटीक जानकारी मिले और कम समय में आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो जिन भाइयों के पास इस प्रकार का मैसेज आया है, तो सीधे रोजगार कार्यालय पहुँच जाएँ और अपनी समस्या का समाधान वहाँ तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।